राष्ट्रीय कांग्रेस इंटक बाड़मेर के तत्वावधान में असंगठित श्रमिक सम्मेलन का आयोजन बुधवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में किया गया। सम्मेलन में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, सभापति दीपक माली सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। सम्मेलन में विभिन्न वर्गों के असंगठित श्रमिकों के हितों को लेकर चर्चा की गई। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। देश भर में श्रमिकों के हितों और उनके लिए कार्य करने वाले संगठन राष्ट्रीय कांग्रेस इंटक का खास आयोजन बुधवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर किया गया। सम्मेलन के जरिए संगठन की बात को मुखर किया गया, साथ ही श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं पर भी मंथन किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस इंटक बाड़मेर के तत्वावधान में असंगठित श्रमिक सम्मेलन टाउन हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेवाराम जैन, विधायक अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली एवं विशिष्ट अतिथि दीपक माली, सभापति नगर परिषद सुल्तान सिंह देवड़ा, उपसभापति नगर परिषद बजरंग लाल मीणा, फेडरेशन इंटक महामंत्री राजस्थान विद्यासागर शर्मा, फेडरेशन इंटक इंडिया महामंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, युवा नेता आजाद सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। चौहान साहब हमारे श्रमिक नेता युगराम जी दाता जी साहब का बाड़मेर में मैं स्वागत करता हूं और उनके स्वागत से मुझे एक चीज याद आई कि आज से एक साल पहले इसी सभागार में हम सब यहीं मौजूद थे और हम सब लोगों ने मिलकर एक संकल्प किया था, एक प्रण किया था कि आने वाले चुनाव में हम लोग भाजपा की सरकार को यहां से उखाड़ फेंकेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता को लेके आएंगे। आज ठीक एक साल बाद किसी द्वारा यहां बना रहे हैं और इसी मंच के मार्फत मैं उन सभी श्रमिक भाइयों को, सभी श्रमिक नेताओं को बधाई देना चाहूंगा कि आपने जगदीश जी साहब के सामने असंगठित आभार श्रमिक सम्मेलन में कई श्रमिक मौजूद रहे। आयोजन में संगठन की बात को मुखर किया गया, साथ ही श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं पर भी मंथन किया गया। आयोजन में श्रमिकों की समस्याओं पर ओपन सेशन रखा गया जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं के साथ कई सुझाव भी दिए। इस दौरान मजदूरों के हक को लेकर विचार विमर्श कर कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई।